प्रोग्राम रखा गया है आप लोगों के साथ सहयोग से आज का संदर्भ जो हमारा ये संघर्ष है एक दिन के प्रयास से हम इसे हासिल नहीं कर सकते। जब तो हमें वर्ग लेना है लगभग 2018 से हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। जो दूसरा विकल्प हमारा है शासन स्तर के प्रयास का, अभी तक हम कई बार प्रयास कर चुके हैं, धरना दे भी चुके हैं, लेकिन इसके पहले से भी हम धरना कर रहे थे, सिर्फ हमें आश्वासन मिलता था। मतलब शासन स्तर उसको हम नहीं करता था, लेकिन आज पुलिस विभाग में हमारे काफी उच्च अधिकारियों के द्वारा हमें समर्थन मिला, उससे हमारे तमाम जाति भाई बहन जो प्रदेश भर के आए हुए हैं संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारा हमें जरूर सफलता मिला है और हमारा जो मुलाकात मोदी जी साहब से हुआ है उन्होंने कि हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं दिमाग भरा हुआ है, हम आपका पक्ष भी नहीं रह सकते हैं, हम आपका जो भी ज्ञापन है जो भी समस्या है आगे डीजीपी साहब तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज असल में डीजीपी साहब नया डीजीपी साहब का शपथ ग्रहण होने में एक सप्ताह से बैठे लग सकता है, तो एडीजी साहब हम लोगों से लगभग एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक का समय मांगे। हम लोग लगभग 3 से 4 साल प्रतीक्षा किए हैं इस भर्ती के लिए, हमें 10 दिन या एक सप्ताह और प्रतीक्षा करने में हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई समस्या है। लेकिन आप लोग आए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अकेले नहीं, हमारे लिए नहीं आए हैं, ना तो मैं आप लोगों को दबो डाल रहा हूँ, आप लोग स्वयं अपने भविष्य के लिए और जो आपका हक है लगभग 3 से 4 वर्ष तक आप लोग संघर्ष किए हैं, आप अपना हक के लिए आए हैं और आपको हक करना चाहिए, तो जो भी आप लोगों के सहमति से निर्णय लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे दो चार बात करके आए उसके बाद मेरे आपको सुना दिया गया और फिर आपको चले। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ ये बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, जैसे हमारे और शाम को संघर्ष गया और हम चले गए और हमारा संरक्षण चल गया। आप जो चुनना करते हैं 69,000 शिक्षकों से उनका लगातार 90 से 100 दिन तक संघर्ष चला था, वो हर माध्यम से सरकार को सूचित करते थे, विभाग को सूचित करते थे और मंत्रियों से मिलते थे, अपनी बात शासन स्तर तक कई माध्यम से ट्विटर से फेसबुक से और घर से भी अवगत कराते थे। तो ये जो जटिल समस्या है एक दिन के समाप्त नहीं हो जाएगा, हमें आपको लगातार बना रहना होगा, तब जाकर हमें सफल बन जाएगा। हम मानते हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय में लगातार 2018 दिसंबर से संघर्ष कर रहे हैं और सुंदरगंज से जो हमें आशा था जो हमारा विश्वास था उस पर जरूर हमें निराशा हुआ है, लेकिन इससे नहीं होता है कि हमारा हौसला खत्म हो गया है। हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है और ये सत्य की लड़ाई है और ये इतिहास बड़ा है, जो हक का लड़ाई सच्चाई के साथ लड़ता है उसे हासिल भी होता है। मित्रों हमें जो तो खुद का मेरा पर्सनल राय है और इसमें आप लोगों से राय लिया जाएगा,
ऐसा नहीं कि मेरे व्यक्तिगत निर्णय से सब कुछ निर्भर है। एक सप्ताह से 10 दिन शासन हमसे समय मांग रहा है, तो हम ईमानदारी के साथ दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे विकल्प हमारे समाप्त हो गए हैं, तो 10 दिन के बाद हमारा बात आगे तक नहीं पहुंचता है, तो हम धैर्यता के साथ फिर यहाँ आएंगे, फिर शासन सत्ता को अपनी बात रखेंगे, जब तो हमारा शासन सत्ता आगे बात नहीं पहुंचा जाता, ठीक है। लेकिन आप इस समय उग्र होइए, क्योंकि शासन सत्ता आपको समय दे रहा है, और जब तो आप उनके बातों को नहीं मानेंगे तो हमारी बात को कैसे मानेंगे, तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। मैं मानता हूँ प्रदेश भर के बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, निचले तबकों से आप लोग बिलोंग करते हैं आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तो आपको वर्दी का ललक है, वर्दी हासिल करना चाहते हैं, तो शब्द के साथ अपनी बातें सरकार तक, शासन सत्ता तक रखना होगा। बाकी हमारा जो प्रक्रिया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है, जब तो प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ा तो सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा, इसमें दो राय नहीं है जो है, लेकिन न्यायालय में कितना समय लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हमारे अथक प्रयास के बावजूद लगभग 3 वर्षों तक सिंगल बेंच में हम लोग लटके रहे, और सरकार भी हिल्ला हवाली करता रहा। डबल बेंच में लगभग 3 वर्ष हो चुका है, वहां भी यही प्रक्रिया है, किसी रीत में काउंटर आया है, किसी में नहीं आया है, तो माननीय न्यायालय में बहुत ज्यादा समय लगेगा। हमें दोनों स्तर से काम करना है, न्यायालय पे भी विश्वास है और शासन स्तर पे आने वाले समय में जितना हम लोग दबाव डाल सकेंगे, अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे, तो सरकार मुझे आशा है उन्हें विचार करेगा और आने जितने भी सीटें खाली है, 3528 सीटें 2015 में खाली हुई, 2001 में अभी ये नहीं है, हम लेकिन जो मेरा मानना है 8-10% खाली होता ही है, तो उस हिसाब से 3,000-4,000 सीटें 2018-B में खाली होगा, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार 3528 से 2015 में सरकार द्वारा प्रश्न लेखी देकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल किया गया, इसमें अब दो राय नहीं है कि 2015 में की सीटें के बारे में हम सस्पेंस रखें, क्लियर, और लेकिन 2018 A-B में भी कंफर्म है। अब हमारा लड़ाई, हमारा मुद्दा एक है, जो भी विज्ञापन में जारी हुई सीटें, चाहे वो 34,716 की बात हो, चाहे 41,000 समथिंग, चाहे 49,000 समथिंग, जितने भी सीटें खाली है इन्हीं याचिकागढ़ इन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए। पहली बात, सरकार जो भी नियमावली बनाया है, जिस प्रकार से भर्ती किया है, उन्होंने गलती किया या नहीं किया, हम इसमें टिप्पणी टप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जरूर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जरूर सरकार से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम आपको गलती उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बची हुई सीटों को आपसे प्रार्थना करते हैं इन्हीं याचिकागढ़ यही सिपाही भावी सिपाहियों से भरा जाए। हम आपका नियमावली बदलना नहीं चाहते हैं, आप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रश्न लिखी दे सकते हैं, वहां हम विड्रॉ भी करवा सकते हैं, तमाम ऑप्शन हमारे लिए है कि जितने भी सिंगल बेंच से या डबल बेंच से याचिकागढ़ है उनका सिलेक्शन हो जाए, तो सारे विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन इन विकल्प को हासिल करने के लिए हमें लगातार आना होगा, कहीं भी जाना होगा, और आए हुए हैं इससे भी ज्यादा संख्या में आना होगा, हाँ संख्या आए, लेकिन हमें शब्द के साथ बात करना रखना होगा, हमें उग्र नहीं होगा। आप सुनिए, कोई चीज हासिल तभी होता है जब हम चैनल वाइज कार्य करते हैं, आप एक दिन में चाहे आके सारे काम कर लें, तो यस आपका जो क्वेश्चन है कि बार बार कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन लेकिन
जब तक कुछ बड़ा चीज हासिल करना है तो लगातार काम करना होगा। लेकिन आप लोगों की जो सहमति है कि हम रहेंगे डटे रहेंगे, तो हम आप लोगों के सहमति पे इच्छुक हैं। बाकी सारा फैसला आप लोगों के ऊपर है, लेकिन जो हमारा पक्ष था, जो शासन स्तर से बात हुई है एडीजी साहब से, वो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। बाकी जो भी आप लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उस पर हम सहमति दिखाएंगे, क्योंकि ये किसी लीडर की बात नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। इसमें सब अपने भविष्य के लिए आए हैं और इसमें सबके भविष्य की बात है। लेकिन हमारा एक सलाह था व्यक्तिगत जो मैंने आपको दिया है कि कोई भी कार्य चैनल वाइज हो सकता है, लेकिन जतोति होगी कि हम लगातार बने रहेंगे तो हम आपसे सहमत हैं। विचार से बाकी आप लोगों के ऊपर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 पुलिस भर्ती 2018 बची हुई सीटों को पूरा करे सरकार, पूरा करे सरकार। बाकी और किसी से मेरे बातों से जी आइए 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 विवाद का कोई ऐतराज नहीं हम लोगों से, और हम लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं है विवाद से, लेकिन विवाद का हाथ अगर कहीं से बढ़ा है तो वो खुलवाना है। वो सही है, विवाद से हमारी जो बात हुई है वो भी इस बात को स्वीकार किए हैं कि आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कहीं ना कहीं डीजीपी साहब से मिलना ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे उनको कोई जानकारी नहीं होता है कि कितनी भर्ती है क्या नहीं है, विज्ञापन कितना जारी हुआ है, जो भी हम लोगों का मामला चल रहा है। फिर